नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 का आने वाला जो एपिसोड है दोस्तों काफी शानदार होने वाला है, साथ ही साथ काफी धमाकेदार भी होगा क्योंकि आने वाले एपिसोड में आप सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा करण कुंद्रा और शमिता शेट्टी के बीच में बड़ी लड़ाई, जिसके बाद करण कुंद्रा का पारा सातवें आसमान पर होगा। करण कुंद्रा का गुस्सा जो है पूरी तरह से फटेगा शमिता शेट्टी पर और शमिता शेट्टी को पूरी तरह से लताड़ लगाने वाले हैं आने वाले एपिसोड में करण कुंद्रा। आखिर किस वजह से गुस्सा आएगा, किस वजह से गुस्सा जो है फटेगा करण कुंद्रा का शमिता शेट्टी पर, यही बात हम आपको आज के खास रिपोर्ट में बताएंगे दोस्तों। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल क्विक टीवी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो सबसे पहले क्विक टीवी न्यूज को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को नहीं दबाया तो बेल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें। चलिए आपको बताते हैं यह बात, हम आपको बता दें दोस्तों कि शमिता और करण कुंद्रा के बीच में बड़ी लड़ाई होने वाली है, जिस दौरान शमिता शेट्टी गार्डन एरिया के पास आकर करण कुंद्रा से यह कहते हुए नजर आएगी कि करण तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मैं काफी ज्यादा इमोशनल हूं और मैं गेम में आगे नहीं जा सकती। इसके साथ ही साथ शमिता शेट्टी करण कुंद्रा पर यह भी कहती हैं कि आप ऐसे माइंड गेम मत खेलो क्योंकि मैं जिस दिन अपना माइंड गेम खेली ना उस दिन तुम्हारा गेम कुछ भी काम नहीं करेगा। ये सारी की सारी बातें कहते हुए नजर आती हैं शमिता शेट्टी करण कुंद्रा पर। इस पर जो है करण कुंद्रा का गुस्सा, करण कुंद्रा का जो टेम्परेचर वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और वो कहते हुए नजर आते हैं कि तेरा गुस्सा जो है खाली फोकट का चढ़ा हुआ है और साथ ही साथ इस तरह से तो तू मुझसे बात मत कर और साथ ही साथ इस तरह से अगर तू बात करेगी तो तू यहां पर बात करने की मेरे से कोई जरूरत नहीं है और साथ ही साथ तू चले जाए यहां से। ये सारी की सारी बातें कहते हुए नजर आते करण कुंद्रा और उनका गुस्सा जो है सातवें आसमान पर रहता है और पूरी तरह से जमकर फटता है। अब शमिता शेट्टी का गुस्सा, शमिता शेट्टी जो है आखिर ऐसा क्यों बोलती है करण कुंद्रा पर, तो हम आपको बता दें दोस्तों कि शमिता शेट्टी के ओटीटी वाले जितने भी कंटेस्टेंट है वो सभी लोग जो है आने वाले हैं, चाहे वो नेहा भसीन की बात करें, चाहे वो प्रतीक सहजपाल, प्रतीक सहजपाल तो पहले से ही, निशांत भट्ट भी उनके साथ हैं और साथ ही साथ राकेश बापट, राजीव अदातिया, ये सभी लोग जो हैं उनके साथ हैं और ऐसे में वो जो है जबरदस्ती लड़ाई करने की कोशिश करती है करण कुंद्रा के साथ, जिस पर करण कुंद्रा का गुस्सा पूरी तरह से फटता है क्योंकि करण कुंद्रा भी समझ में आ जाता है उन्हें कि शमिता शेट्टी आखिर किस वजह से उन पर चिल्लाने की कोशिश कर रही है। अब इस पर जो है करण कुंद्रा का गुस्सा काफी ज्यादा बढ़ता है और करण कुंद्रा का गुस्सा बढ़ने के साथ साथ करण कुंद्रा को सब समझ में भी आ जाता है और जमकर भड़ास और जमकर उनका गुस्सा फटता है शमिता शेट्टी पर। वेल, आपका क्या कहना है कमेंट के थ्रू आप हमें जरूर बताएं इस लड़ाई पर और साथ ही साथ आप किसे सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं ये भी आप हमें बताएं और तेजस्वी प्रकाश जो है करण कुंद्रा का साथ देते हुए नजर आएंगी इस टास्क में, मतलब इस कॉन्वर्सेशन में। आज के खास रिपोर्ट में बस इतना ही, क्विक टीवी न्यूज की रिपोर्ट, और आप वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।